ओके, तो पहले हाथ जोड़ के ये विनती है कि हेडफोन लगाए लो या अकेले में जाए कोने में जाए कि वीडियो देखो। ये वीडियो खासकर लड़कन के लिए, हमारे भाइयों के लिए है। अगर लड़कियां कंफर्टेबल है तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। एक ऐसी चीज जो लोग मजाक मजाक में स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बाद में चलकर उनको अपना शिकार बनाती है, उनको लत हो जाती है। चाह के बहुत सारे लड़के उस चीज से बाहर नहीं आ रहे हैं, अपनी जिंदगी डे बाय डे बर्बाद कर रहे हैं, सुस्त रहते हैं और उनके दिमाग में सिर्फ अश्लीलता गंदी चीजें चलती रहती हैं। वो क्या है पता है? उसका नाम भैया पोर्न एडिक्शन। वो फिल्म जो गंदी फिल्में देखने का जो एडिक्शन हो जाता है, लत हो जाती है, उसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में कि भैया किस तरीके से इससे बाहर निकले। क्योंकि भैया अगर आप देखते रहेंगे, आपको पता है मेंटली फिजिकली सेक्सुअली हर जगह आप सुस्त हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, झंड हो जाएंगे। बर्बाद करता है साला झंडू फिल्म। तो इसको भैया एक दिन आप बंद कर सकते हो। कुछ चीजें जो आप फॉलो करोगे चुटकी में इससे बाहर निकल सकते हो, आजाद जिंदगी जी सकते हो, रॉयल तरीके का सिस्टम हो जाएगा। क्योंकि अंड बंड चक्कर पड़े रहोगे ना, आगे कुछ कर नहीं पाओगे। तो क्या क्या चीजें ये बताते हैं। ले फिर आ गए। सबसे पहली बात ये भैया, जो लड़के हैं ये पोर्नवा देखना स्टार्ट कैसे करते हैं, ब्लू फिल्मों में घुसते कैसे हैं? पता है नए नए जब मोबाइल मिलती है, पापा फोन देते हैं भैया ऑनलाइन स्टडी करेगा हमारे बेटवा। वो क्या करते हैं पता है? ऑनलाइन स्टडी करता रहता है, लेकिन साला ये चेक करता है कि देखें हम सर्च करें हमारे फोनवा में, हमारे मोबाइलिया में गूगल से ही आता है कि नहीं। पोर्नवा सर्च करते हैं, कहीं कहीं से उनको मिल जाता है, सोचते हैं अगर आ ही गया तो एक बार देख लेते हैं। जब अगर देखते हैं तो दिमाग साला इतना चूतिया चीज़ है, इतना हरामी है, नेचुरली गंदी चीज़ें दिमाग को देखने में अच्छा लगता है। जब देखते कहते हैं यार बहुत मजेदार चीज़ है, इसे तो हम बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसे तूफानी मच रहा है, तो देखना चालू करते हैं। अलग अलग एंगल में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरीके, खूब लंबा लंबा जो है, कभी 5 मिनट का देखे, कभी 7 मिनट का, 10 मिनट का, उसके बाद एक घंटे वाला देखने लगते हैं। दिमाग डे बाय डे कमजोर हो जाता है। जब दिमाग डे बाय डे कमजोर हो जाएगा लत पड़ जाएगी। जब भी आप अकेले में जाओगे, कोपचे में जाओगे, तो जुगाड़ यही रहेगा कि नेट अगर सही चल रहा है तो हम सर्च करें मतलब वही अंडरबन चीज़ और देखना चालू करते हैं, जिससे क्या होता है हम डे बाय डे उसमें घुसते जाते हैं और हो जाता है हमें पोर्न एडिक्शन। बात ये भैया कि हमको दिक्कत क्या है, हम देख रहे हैं दिक्कत क्या हो रही है? कोई तो दिक्कत नहीं हो रही है भाई। दिक्कत ये हो रही है कि आप एडिक्ट हो रहे हो, एक चीज़ में घुस रहे हो, दिक्कत नहीं है हमारे भाई। दिन भर आपको वही देखने का मन कर रहा है, आप देख के अगर आप खाली हुए कहीं चल रहे हो तब भी आप देख ही रहे हो, क्योंकि दिमाग में आपका अंडरबन चल रहा है। आप बैठो तब भी अंडरबन चल रहा है। किसी को देखते हो अपने अपोजिट मेल या फीमेल, अगर आप मेल हो फीमेल को देखते हो आपको गंदे विचार आते हैं, अगर आप फीमेल हो मेल को देखते हो आपको गंदे विचार आते हैं। आपको विचार अंडरबन हो रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं आपके विचार, और आप कह रहे हो क्या हो रहा है। जब ये चीज आपके दिमाग में कूड़ा करकट चलेगा, एक ऐसी फिल्म चलेगी जो आपको जोशीला बना देगी, तो आप क्या करेंगे? मास्टरबेट करेंगे। मास्टरबेट नहीं करेंगे, नाइटफॉल होगा, बहुत सारा वीर बाहर कर देंगे, ताकत बाहर कर देंगे, लत्ता हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, सुस्त हो जाओगे। आगे चल क्या करोगे? ऑनलाइन स्टडी के नाम पे सिर्फ यही पोर्नबाजी करोगे और मुट्ठबाजी करोगे, तो यही साइड इफेक्ट है। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज के बारे में, दवाई के बारे में। दवाई ये है कि भैया इसे छोड़े कैसे, इससे बाहर कैसे निकले संतोष भैया। सबसे बड़ी बात ये, अभी आप प्यार करो पोर्न से इसलिए घुसे पड़े हो, इसलिए देख रहे हो, इसलिए पगलाए हो उसके चक्कर में। अगर जब तक आपको प्यार रहेगा पोर्न से आप छोड़ नहीं पाओगे, तो आपको हेट करना पड़ेगा, नफरत करना पड़ेगा। नफरत कैसे पैदा होगी? बैठ जाओ एक जगह पे और दिमाग को सिर्फ लगा लो कि जब हमने पोर्न देखना चालू किया कि हम बहुत ज़्यादा अश्लील हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हम गंदा विचार रखते हैं। क्यों गंदा विचार रखते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में वही चलता रहता है और हम अपने करियर फोकस नहीं कर पा रहे, पढ़ाई फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे दिमाग में पोर्न देखने वाला सिस्टम चलता रहता है कि कब मौका मिले कब मोबाइल खोलें और धड़ाक से रीड लगा के देखना चालू करें। उठते बैठते सोते जागते हमारे दिमाग में अगर पोर्न चल रहा है तो इसने हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा कब्जा कर लिया है। इससे हम अपने बॉडी को भी सही से यूज़ नहीं कर पा रहे, दिमाग को भी सही से यूज़ कर पा रहे। डे बाई डे हम अश्लील बेकार और लत्ता कमजोर होते जा रहे हैं। जब इतनी चीज़ सोचो गरी और हम इतने बेकार हो रहे हैं, तब तुम कहोगे नफरत, छोड़ने का मन करे। उसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भैया कि छोड़ने वाला ये हम बैठ के तुमको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझ लो। एक मिनट के लिए हमारी बात ध्यान समझ लो, तो अगर तुम समझ लोगे तुम पोर्न फोन ऐसे लात मार बाहर कर दोगे कि तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। ये चीज़ जान लो, हमारे एक फोन है, ठीक है, उस फोन में चाहे हम रामायण चलाएं, चाहे भैया महाभारत चलाएं, चाहे डांस चलाएं, चाहे गाना चलाएं, चाहे पिक्चर चलाएं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। वो जबरदस्ती नहीं आ जा रहा है। हम सर्च करते हैं नूरा फतेही का गर्मी वाला डांस, तड़ से आ जाता है, क्लिक करते हैं देखने लगते हैं, ठीक है ना। लिख देते हैं भैया कि लाल बादशाह पिक्चर, तो आ जाता है अमिताभ बच्चन मार फाइटे फाइट मारने लगते हैं। वैसे ही हम गूगल पे जा रहे हैं, खुद जाके हम सर्च कर रहे हैं, खुद वीडियो आ जा रहा है, फिर हम उस पर क्लिक कर रहे हैं, उसे सही एंगल में रख के देख रहे हैं, तो उसमें गलती पूरी हमारी है, कोई जबरदस्ती आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। और दूसरी की चीज़, अगर आपने पोर्न चालू कर दिया, पोर्न चालू करके एक बार रख लो, वो आपके दिमाग पर कहा हावी हो रहा है पता है? आप उस फेक चीज को, झाठू चीज को, खत्म चीज को, रद्दी चीज को ओरिजिनल मान लगते हो। इसमें जो लड़की दिख रही है ओरिजिनल है भाई, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लड़का दिख रहा है ओरिजिनल भाई, हमारे साथ हम ही कर रहे हैं यह चुतियापा। तुम सोच रहे हो बे इतने बड़ा ढिंगरा हो गया हो, फेक और ओरिजिनल में तुमको फर्क नहीं पड़ता है? तो क्या करो, जैसे तुम फोन लगा के एक बार रख लो और देखो, सारा 3 बटन दी गई है, बैक करने का, कट करने का, स्विच ऑफ करने का। ये तो हमारे चूतिया काट रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम खुद लगा रहे हैं एक फालतू चीज, इमेजिनेशन चल रहा है, कल्पना चल रही है, उसे हम ओरिजिनल मान के अपने दिमाग को खराब कर रहे हैं, अपने बॉडी को खराब कर रहे हैं। मन हिलाए बहा दे रहे हैं नदी,
ये चीज ओरिजिनल जान लो भैया फेक है, कोई रियल नहीं है। इस चीज से दूर रहो, जब करेंगे तो रियल में करेंगे, फेक के चक्कर नहीं पड़ेंगे। अभी पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, बवाल मचाएंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, अच्छा अच्छा कपड़ा खरीदेंगे, बवाल मचा देंगे, फालतू के रद्दी चीज मादर चोद हमको फंसाएगी। बाकी यही एक चीज है जिसे आप फॉलो कर लेंगे ना, तो आप फोन तार से छोड़ देंगे और फोन छोड़ के अपना अच्छा काम करने लगेंगे। जो फालतू दिमाग आप गलत चीज में लगा रहे, सही चीज में लगाने लोगों के बवाल मचाएं लोगों के, आगे बढ़े लोगों। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, हर हर महादेव।